हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे खुशी का कारण क्या है वो मैं जल्दी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन एक बात तो बिल्कुल मुझे आज रियलाइज़ हो गई कि जब हम दिल से किसी से मिलना चाहते हैं ना, तो चाहे वो कितना ही दूर हो हमसे, वो ज़रूर मिल ही जाता है। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो बने थे कोरोना काल में, अमित सिन्हा जी, जो पुणे से बिलोंग करते हैं, आज हमें अवसर मिला है कि वो आज हमारे घर पधारे हैं। हम लोग धन्य हो गए। तो अमित भैया का हम स्वागत करते हैं और साथ में पधारे हैं उनकी वाइफ भाभी और उनके बच्चे। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। भैया जी कहाँ हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको मैं मिलवाती हूँ हमारे प्यारे भैया अमित सिन्हा जी से। अमित भैया आइए, आज हमारे घर पधारे हैं और साथ में पधारी लकी भाभी, आइए। नमस्ते। और दोनों बहुत ही प्यारे हैं और हम बहुत दिनों से मिलने का प्लान कर रहे थे, हम प्लान ही करते रह गए और भैया आ गए हमसे मिलने, और साथ ही आया है डुगू। कम कम बेटा, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय है। अरे और भैया ने इतना सारा प्यार भेजा है अपने फोटोग्राफी के थ्रू। उन्होंने कितने सारे प्यारे प्यारे ट्रीजर्स बना के हमको हमारे स्ट्रगलिंग के दिनों में, हमारे इनिशियल डेज में, जब हमने शुरुआत की थी वाई आर लाइव की, और उस समय भैया ने बहुत हमें कोऑपरेट किया, साथ दिया। दोस्तों, जब कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया है जो कभी नहीं टूटेगा। और आज जब ये हमारे घर आए हैं तो इस रिश्ते में और मजबूती आ गई है। तो भैया स्वागत है आपका, और भाभी आप भी हमेशा हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, और बहुत ही पोलाइट नेचर है दोनों का। और दोस्तों सच बात तो ये, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये रिश्ता जन्मों का है और हमेशा ऐसा ही बना रहे, यही हम प्रार्थना करें। आपको खंडवा आकर कैसा लगा भाभी? बहुत अच्छा लगा, और अच्छे लोग हमेशा अच्छे होते, ये फील हुआ। आप लोगों से मिल के बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया, और जाने का मन नहीं कर रहा। तो बिल्कुल रुक जाइए आज, क्योंकि जिद पे अड़े हैं कि 12 घंटे का ट्रैवल करके नेक्स्ट डे शूट है भैया का, तो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोबारा फिर आएंगे इतना और लंबे समय के लिए। बिल्कुल, मैंने भाभी के हाथ का बना हम लोगों ने खाना खाया, बहुत टेस्टी, और भैया और भाभी से मिलकर ऐसा लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल ही नहीं रहे, बहुत अच्छा लगा। हमेशा हम लोग मिलते रहे, और क्या कहूँ, आप स्वागत है आपका, हमेशा आपकी बहन का घर खुला रहेगा, है ना। ये दोनों भैया और भाभी हमारे साथ आए, और अमित भैया से रिश्ते तब के हैं जब हमारे 10,000 भी फॉलोअर नहीं थे, और उस समय अमित भैया ने हमें बहुत सारे चीज़ों का मार्गदर्शन दिया है कि किस तरह से लाइट सेट किया जाता है, किस तरह से साउंड को मैनेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अमित भैया के बारे में मैं बोलता रहता हूँ कि ज़्यादा पैसा स्टूडियो पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जुगाड़ से अगर जो चल रहा है उसको जुगाड़ से चलाओ, अच्छे से चलाओ, लेकिन मेहनत जारी रखें, अपडेटेड रहें। आज सपना हमारा साकार हुआ, और जब अमित जी से पहली बार मिला, वो गाड़ी से उतरे, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, इनसे मिलता जुलता रहता हूँ, और यही है एक फेसबुक परिवार जो हमने बनाया है। और ये परिवार देखिए ना, आज हमें मिलने का मौका मिला और बढ़ता जा रहा है दिन में। हमारे से जो भी मिल रहा है वो परिवार के साथ मिल रहा है। भाभी जी भी आई हैं, भैया भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि योगेश मीना पेज नहीं है, एक परिवार है। तो इस परिवार में आपका स्वागत है, और आप सबका आशीर्वाद भी हम पर हमेशा बना रहे। हमारे ये दोनों भैया भाभी आए हैं, उस तरह से कई सारे गेस्ट आने के लिए तैयार हैं, तो हम उनका भी स्वागत खोल करते हैं दिल खोल कर। All are invited. Thank you so much. Thank you so much. तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। हाँ दादा। आओ ना तोरा सबसे बेस्ट सीट में। ओके बाय भाभी। आओ। आराम से भैया। खोल दूँगा। बेटा वो ये कर रहे हैं ना अगर। आराम से जाना भी। चलिए बाय 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 बाय।